हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस सूरज। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। तो आपको दिख रहा है मैं यहाँ पे झोटी डाल रही हूँ, और इस बार मैं स्टैंड नहीं डाली क्योंकि बहुत ठंडा लग रहा था और मैं जितना जल्दी हो पाए कंप्लीट करके अंदर जाऊँगी सोच रही थी। और ये बुधवार का वीडियो है, इवनिंग वाला। इवनिंग वाला मतलब रात हो गया था, 8:30 बज गया था और मैं झोटी डाल रही थी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इधर उधर करके। चलेगा, और वो क्या करें, अभी तो कुछ कर नहीं सकते, एक बार डालोगे तो वो हो गया। और आज ये जितना भी आप शूट देख रहे हो, ये रीत कर रहा है मेरा स्टैंड, आज वो बना था। मैं बाहर झोटी दे रही थी ना, तो वो आके मेरे साथ था क्योंकि सब कोई अंदर थे, बाकी लोग अपने काम से गए थे। तो मैं उसको बोली कि बेटा आजा, तू थोड़ा पकड़, मैं झोटी डाल रही हूँ। और मैं यहाँ पे तुलसी के पास आके अभी दे रही थी, मेरे को इतना ठंडा लग रहा था। देखो, मैं इतना पहन के स्कार्फ डाल के भी मेरे को ठंडा लग रहा था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग 4 बजे आ गए थे बाहर पूजा करने के लिए, और सुबह सुबह अंधेरा पूरा हुआ था। और ये सूख गिर जाने के बाद कितना वाइट दिखता है ना, बहुत ही सुंदर लगता है। तो मैं यहाँ पे तो झोटी डाल दी थी और ये पूजा कर रहे हैं। पता है आपको, जब झोटी डालोगे उसके बाद जब हम लोग ऊपर आ जाते हैं तो कैमरा से दिखता है, ये देखिए ऊपर पूरा अंधेरा, और यहाँ पे देखिए ध्रुव तारा दिख रहा है साइड में। मैं वही शूट कर रही थी। हाँ, मैं बता रही थी कि गाय लोग आती हैं, और ये जो चीता हम लोग डाले रहते हैं झोटी, उसको क्या पता नहीं उन लोग क्या सोचते हैं, खाने का सामान है कि आके फिर आके ऐसे देख के फिर चले जाते हैं। और ये स्वाति पूजा कर रही थी, मैं शूट कर रही थी। चलिए अभी चलते हैं अंदर, माता रानी को आप लोग दर्शन कर लीजिए अंदर। ये 4 बजे हम लोग जो पूजा किए थे, फल का भोग लगाते हैं तब ना पहले, तो वही वाला फल भोग है। और आज के दिन एक ट्रेजेडी हो गया हमारे घर के पास, हमें एक्चुअली नहीं पता था। हम लोग तो पूजा वूजा किए, सुबह 7:30-8 बजे हमें पता चला कि हमारे घर के पास ही एक जन का डेथ हो गया है। तो जितना हम लोग का क्या होता है कि जल्दी जल्दी हम लोग भोग प्रसाद बना के भोग लगा देते हैं, और उस दिन हम लोग ये फल भोग लगा के और एक खीरी पूरी का ऐसे भोग लगा के जस्ट हुआ है, और तुरंत ही उसके बाद सुने कि किसी का डेथ हो गया है। तो बाकी और पूजा कुछ नहीं किए, और फिर हम लोग वहाँ से मतलब और कुछ नहीं किया। और क्या, जैसे बोलते हैं ना, किसके घर के पास किसी का डेथ हो जाता है, जब तक उसको नहीं लेते हैं तो पूजा पाठ नहीं करते हैं, और पूजा पाठ हम लोग भी नहीं किए। और ये मैं सीसीटीवी से ये वीडियो कर रही थी, रात में ही देखिए, उतना मतलब बहुत अंधेरा हुआ था उस टाइम पे। और उसके बाद जब हम करीब 7 बजे नीचे आए, 6:30-7 बजे उजाला हो गया था, और ये हम लोग फ़ोटो वोटो उठाए, प्रसाद लगाने के लिए आए थे नीचे 7:30। बहुत धूप भी आ गया था, अच्छा लगता है ना धूप में। तो मैं बाहर गई थी यहाँ पे धूप के पास, और इनको बोली कि थोड़ा सा फ़ोटो उठा देना हम लोगों का बाहर। और उसके बाद ही हमें पता चला कि इनका ऐसे डेथ हो गया है। तो पूजा पाठ तो और कुछ नहीं किए हम लोग, और ये तीनों ने हमने सेम साड़ी पहना है। ये साड़ी मैं ली थी अपने फ्रेंड के जो परी कलेक्शन है वहाँ से, तो वो ला दी थी मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी, थैंक यू। इवनिंग टाइम और हम निकल रहे हैं मूवी देखने। आसो पिक्चर देखी जी माँ, ये पिक्चर चलेंगे, चलिए पिक्चर। और ये हम सब मिलके जा रहे थे बच्चे लोगों के साथ मूवी देखने के लिए, और ये रास्ते का एक व्यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग देखने जा रहे हैं मूवी डंकी। मैं इसका स्टोरी नहीं जानती थी, बस शाहरुख का मूवी है, चलो देखने चलते हैं, अच्छा खासा है तो चलेंगे बोल के गए थे, और मुझे ठीक ठाक ही लगा। मतलब एक नए चीज़ के बारे में पता चला कि लोग कैसे डंकी मार के विदेश जाते हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं होता वो लोग, वो क्या है डंकी में, कैसे वो लोग छुपाते हुए जाते हैं, तो रास्ते में कैसे वो लोग मर जाते हैं, फिर उसी के ऊपर ही मूवी है। उनका पता भी नहीं चलता, फैमिली लेके वो लोग विदेश शिफ्ट होने के लिए जाते हैं, तो उसी के ऊपर ही मूवी है। तो कुछ सत्य घटनाएं हैं उसको लेके ये मूवी बनाया गया है। यहाँ पे वो चीज़ दिखा रहा था
तो हमें लगा कि बाप रे ऐसा है। हाँ, एक्टिंग देखोगे बाकी सब देखोगे तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे स्टोरी अच्छा लगा इसीलिए मैं बोलूँगी कि हाँ एक बार तो देखना ही चाहिए मूवी। आप लोग जाइए मूवी देखिए और आइए डंकी, तो हम लोग भी देखे यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा हमें। मुझे स्टोरी बहुत अच्छा लगा, उसका एक बेस जो था डंकी का वो बहुत अच्छा लगा। और ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, आज के ब्लॉग में 3 दिन का वीडियो जा रहा है, सॉरी एक तो गुरुवार का जा रहा है और ये वाला सैटरडे वाला वीडियो है, फ्राइडे और कुछ मैं शूट नहीं की। ये जो है इतना सुंदर रंगोली डाले हैं पूजा के लिए, हमारे घर के ऊपर ही हम लोग एक पूजा कर रहे हैं चंडी पाठ, तो ये फ्राइडे इवनिंग में ये सब रेडी कर रहे थे और पूजा होगा सैटरडे को, तो उस दिन इवनिंग से ही स्टार्ट हो चुका था बोलिए, क्योंकि उस दिन से ही हम लोग का सात्विक भोजन स्टार्ट हो चुका था घर में इवनिंग से। और ये देखिए आपको एक सरप्राइज़ देना है मुझे, मैं दिखाऊँगी अभी आपको, पहले बोलिए ये रंगोली कैसे हुआ है ना। और ये देखिए चारों तरफ ऐसे पर्दा डाल दिए थे क्योंकि बिल्ली ना आ जाए, इसीलिए उसको थोड़ा सा सुरक्षित किए थे। और ये है सरप्राइज़, देखिए छत के ऊपर हमने ये एस्बेस्टस डाल दिया है क्योंकि छत के ऊपर आजकल सब डाल रहे हैं, और इधर खाना वाना बनाने के लिए रेडी हुआ है, जो आएंगे कुक इधर खाना बनाएंगे, आज के रात का तो बन चुका है। और ये वाला वीडियो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, पंडित लोग आ चुके हैं पूजा के लिए, रेडी हो रहे हैं सब कोई, अभी यहाँ पे तिलक सब कोई लगा रहे हैं, ये मिस्टर पुरोहित तिलक लगा रहे थे और ये मैं शूट कर रही थी, देखिए सारे पंडित लोगों को लगा रहे थे तिलक। और यहाँ पे हम लोगों का पूजा स्टार्ट हो चुका था, मैं थोड़ा बहुत जितना वीडियो हो पाया की हूँ। और पूजा में जब बैठोगे ना तो खुद से वीडियो शूट करना नहीं होता, बाकी सभी पूजा में बैठे थे तो इधर उधर से थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे हम लोग का अभी रेडी कर रहे थे पूजा के लिए, चंडी पाठ होगा यहाँ पे, तो ये एक बेसिकली चंडी पाठ ही है, माता रानी का पूजा है और नवग्रह पूजा है, ऐसे जो करते हैं ना, बहुत दिन से कुछ पूजा नहीं हुआ था इसीलिए एक पूजा रखा गया, क्योंकि अभी छुट्टी हो गया था स्कूल तो सोचे कि अभी पूजा हम लोग कर लेंगे तो सब कोई घर में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। खाली रीत को स्कूल जाना था क्योंकि उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन था, वो नहीं जा पाया और बाकी तो सब कोई घर में ही थे, जीत भी आया हुआ है तो एक पूजा होने से अच्छा लगता है, इसलिए ये पूजा हो गया हमारा। तो यहाँ पे हवन कुंड में अभी हवन जैसे आहुति देते हैं और बाकी सब पूजा करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, वो सब किया जा रहा है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे ब्लॉग को, आप लोगों का प्यार मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो लास्ट तक देखिए और एन्जॉय कीजिए, माता रानी को सबकी तरफ से मैं प्रणाम करती हूँ कि हमारे यूट्यूब फैमिली को वो बहुत अच्छे से रखें और सबका मनोकामना सब कुछ पूरा हो। तो चलिए आप लोग भी माता रानी को प्रणाम कीजिए और मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए और कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।